बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप देख रहे हैं एक्यू टीवी और मैं हूँ गुलफाम अली हुसैनी, तालबे इल्म हूँ इल्मुल हरफ व अदद का और इल्मे जफर का। नाज़रीने इकराम, सूरह जुमा के मौजू पर बात कर रहे हैं। मैंने आपकी खिदमत में हदिया किया कि अल्लाह पाक ने इसे 110 नंबर पर नाजिल किया, जो इसमें अली का अदद है, और इसका नज़ूल, इसकी तरतीब की तलावत, तरतीब भी और रकू और आयात जमा करेंगे तो अदद 14 आएगा। जब आप सूरह जुमा के अदद और 11 आयात को जमा करेंगे तो अदद 12 आएगा। नाज़रीने इकराम, आज मैंने बात करनी है हुब के लिए। अगर नाराज़ लोगों में मोहब्बत पैदा करनी है या मियाँ बीवी में मोहब्बत का फुकदान है, उल्फत का फुकदान है, बहन भाइयों में मोहब्बत की कमी है, तो वो ये अमल कर सकते हैं। आप देखें कि इसे तलावत के अतबार से ये 62 नंबर पे है और दो इसके रुकू हैं। अब 62 में दो जमा करेंगे 64 अदद। ये दीन का अदद है, दाल के 4, छोटी ये के 10, नून के 50, ये दीन का अदद है। और 6 और 4 10, दो जो के हुब का अदद है, 1 के 8 और 2 के 2। नाज़रीन इकराम, अगर आप इस अमल को ऐसे बच्चे बच्ची के लिए करना चाहें जो दीन से दूरी अख्तियार कर चुके हैं, जो दीन से दूर हो रहे हैं, तो माँ बाप को चाहिए कि वो सूरह जुमा को पढ़ें। और हुब के लिए अगर करना है तो सूरह जुमा को मीठी चीज़ पे दम करें। बच्चे को पिलाना है तो पानी पे सूरह जुमा पढ़ के, तो 10 दफ़ा सूरह जुमा पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। इस अमल को 10 दिन करें, महीना करें, महीने में 10 दिन करें आप, और देखें कि नुमाया तब्दीली आएगी। अगर कमी पेशी है तो आप आइंदा महीने फिर कर लें, फिर आइंदा महीने कर लें, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका बच्चा दीन की तरह रागब होगा और मोहब्बत में भी इजाफा होगा, अगर कोई मोहब्बत के लिए करना चाहे। मिलते हैं मज़ीद राज़ असरार अमल के साथ। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने ये बात।